नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमने अपने बहुत सारे वीडियो में आप सभी दर्शकों को जानकारी दी है कि जो छोटे छोटे तांत्रिक उपाय होते हैं, जो तांत्रिक वस्तुएं होती हैं, ये धन को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये लक्ष्मी को खींचने का काम करते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 6 ऐसी चीजें के बारे में बताऊंगा जिसे आपको अपने घर में अवश्य रखना चाहिए, अपने पर्स में रखना चाहिए, गले में अवश्य रखना चाहिए। इससे जो लक्ष्मी है, जो धन है, आकर्षित होता है, खींचे चले आते हैं। तो जानकारी बताने से पहले अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की अच्छे अच्छे जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि काला हल्दी होता है, इसके बारे में हमने कई वीडियो में पहले भी बता चुके हैं कि जो काला हल्दी होता है ये लक्ष्मी को अति प्रिय है। जिस भी व्यक्ति के पास काला हल्दी होता अगर सिद्ध करके रख लिया जाए तो ये लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका छोटे से टुकड़े अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो ये पर्स को हमेशा मतलब धन से भरा रखता है। जो व्यक्ति ये काला हल्दी अपने पर्स में रखे रखते हैं वह धनवान बन जाते हैं, उनके पर्स में कभी भी धन के भाव नहीं होते। दूसरे नंबर पे आते हैं चांदी की चाबी। जी हाँ, जो चांदी की चाबी होता है ये भी धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये धन वृद्धि करने का सबसे अच्छा साधन है, अच्छा उपाय है। चांदी की ताबी जो चाबी होते हैं अपने पास में रखने से ये लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करता है, धन वृद्धि में काफी मदद करता है। तीसरे नंबर पे आते हैं पीपल के पत्ते। पीपल की पत्ते पर स्वास्तिक बनाकर के 11 पत्ते का माला बना लें, फिर इसे घर पे आपको टांगना, और कौन सी जगह पे इसे टांगना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो घर के मुख्य द्वार पर, जिसे हम गेट भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे टांग देना होता है। तो इसे इच्छा पूर्ण होते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जैसे कि धन वृद्धि करना, घर से नकारात्मक शक्ति को बचाना, जैसे घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश न करें तो पीपल के पत्ते जो है घर में टांग दीजिए, इसके माला बना करके, स्वास्तिक बना करके। घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती, इसे जो घर अंधन से भरा रहता है। चौथे नंबर पे आते हैं तुलसी की जड़। ये बहुत ही पवित्र जड़ माना जाता है और ऐसा बताया जाता है कि यह जड़ जिसके पास में रहता है वह व्यक्ति धनवान बन जाते हैं, मालामाल बन जाते हैं। यह जड़ पास में रखने से लक्ष्मी जो है हमें धन प्रदान करती है, लक्ष्मी हमारी कदम कदम में सहायता करती है। आप तुलसी की जड़ अपने पास में रख करके देखना, भूत प्रेत टोना जादू उपचारिक जैसे क्रिया आपको कभी भी नहीं लगेंगे, नकारात्मक आपके पास भटक नहीं पाएंगे। तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जिसके पास में तुलसी की जड़ होता है वह निगेटिविटी से बचता है, नकारात्मकता से हमें बचाता है और ये धन वृद्धि करने का काम करते हैं। अंतिम है पीली सरसों। तो पीली सरसों के 2 दाने हमेशा अपने पर्स में रखा करें। इसे क्या होता है कि जो साधक होता है इसकी ओर धन आकर्षित होता है, खींचे चले जाते हैं। जो पीली सरसों होता है इसे सूर्य देव का कहा जाए तो एक प्रकार के हम आशीर्वाद समझ सकते हैं। रविवार के दिन अगर पीली सरसों, 2 पीली सरसों रख लेना, पर्स में रखना, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अपने पर्स में रखने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। आदमी को धन मिलने का प्रत्येक मार्ग जो साधन होता है वह खुल जाते हैं। तो आप भी अपने पर्स में, आज की वीडियो में बताया गया जो हम जानकारी बताएं, ये अवश्य अपने पर्स में रखने की कोशिश करें, अपने गले में रखने की कोशिश करें, इससे धन में वृद्धि होती है। आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।